हो गया जी, हो गया जी। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, चोरी कर सेंडिंग मनोहरलाल खट्टर जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, देवेंद्र बबली जिंदाबाद, खट्टर तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, खट्टर तेरी कबर खुदेगी खट्टर तेरी कमर खुदेगी सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। बात यह है कि सरपंच अभी अभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं गांव के, और इन्होंने अपना चार्ज संभाला है। उससे पहले सरकार ने बहुत सारी इन पे शर्तें लगा दी गई हैं। सबसे पहली बात तो ये लगाई ई टेंडरिंग करेंगे, चलो कोई बात नहीं, अगर अच्छे काम के लिए करते हो तो ठीक है। क्या जनप्रतिनिधि का इतना भरोसा भी नहीं कि वो ई टेंडरिंग के इस प्रोसेस को समझे, उससे पहले आप इसके ऊपर अपनी शर्तें लगा दो। दूसरी बात यह है कि आप इनको जो मानदेय दे रहे थे, उस मानदेय के अंदर भी पीछे कितने सालों से एक ही तरह का है, उसके अंदर कोई आप किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं कर रहे, और इनकी पाँच छः और मांगे हैं जो बड़ी जेन्युइन है। तो मैं इन सब मांगों का समर्थन करता हूं, और सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय रहते हुए इनकी भावनाओं को देखें, लोगों ने इनको चुन करके भेजा है, ये ऊपर से कोई निर्वाचित नहीं है, जनता के बीच के निर्वाचित सदस्य हैं। इनके द्वारा किए हुए हर काम का गाँव के हर विकास के ऊपर एक असर पड़ता है। जब आप एक सरपंच को ये अधिकार ही नहीं देंगे कि अपने क्षेत्र में वो 2 लाख से ऊपर का कोई कार्य कर सके, तो 2 लाख के अंदर इस बढ़ती हुई महंगाई के अंदर कितने कार्य हैं, एक नाली ठीक नहीं कर सकता वो आदमी, तो आप इन परिस्थिति के अंदर क्या समझेंगे। इसका मतलब तो है विकास को टोटल जीरो कर दो आप, गांव के अंदर जो समस्याएं हैं उनको आप आगे आने ना दो, और आगे कोई करना चाहे तो उनके पास आप उनके साधनों को सीमित कर दो। तो ये तो एक तरह से एक अनदेखी है सरकार की, प्रजातंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता। जन भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, रोज़ की समस्याओं को निपटाया जाता है, और रोज़ जो परेशानियां आती है उनका समाधान किया जाता है। तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि उनको ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पे ध्यान करके करनी चाहिए। ये बात खाली एक ब्लॉक भेंद्रेड की नहीं है, ये पूरे प्रदेश व्यापी इस बात की एजिटेशन है, वो इसी बात को लेकर के। दूसरा कहते हैं राइट टू रिकॉल, ये राइट टू रिकॉल भी एक इस तरह की संस्था है जिससे एक तरह अनिश्चितता उन लोगों के ऊपर दी जाएगी। आज कोई सरपंच बना है, कल आप उस पर एक तलवार लटका दो कि राइट टू रिकॉल है, तो ये सत्यापित नहीं हो सकती बात। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस तरह की शर्तों को हटा करके इनको काम करने का 5 साल का जो मौका लोगों ने दिया है उसको पूरा करने दे, और तसल्ली के साथ इनको अपने क्षेत्र में गाँव में उन सबके विकास के कार्यों में रुचि लेके काम करें। सर, जो पंचायतों के खाते में जो पैसे की बात आई है, क्या वो खोखला आश्वासन है, सरपंच मना कर रहे हैं? देखिए, खाते की बात आती है बेटा, मैं तो सीधी बात बताता हूँ। विधायकों की अभी तक उन्होंने कहा था 5 करोड़ रुपए साल के देंगे, आज 3 साल तो हो चुके, या 3-4 विधायक हैं, 3 भाजपा के हैं, 1 आपने कांग्रेस का बना के रखा, तीनों भाजपा वालों को 5 करोड़ दे दिया, आपको आज तक 5 करोड़ नहीं दिया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। जिस प्रकार से खिलाड़ी यौन शोषण के लेकर के बैठे, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो भी बिल्कुल निंदनीय है। देखिए, हरियाणा ने पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर चाहे कॉमनवेल्थ का हो, चाहे ओलंपिक का हो, चाहे एशियन गेम्स में हो, अपने खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। अगर वो खिलाड़ी अगर इस तरह से अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, तो कौन से माता पिता हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देंगे? कौन सा खिलाड़ी है जो इन परिस्थितियों में आगे जाने की प्रयास करेगा? जो भी आदमी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के कार्य करने वालों की सार्वजनिक तौर पर निंदा होगी। WFI के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दीपेंद्र हुड्डा राजनीति करवा रहा है 2024 इलेक्शन के लिए। देखिए बेटा, ये राजनीतिक बात है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आज तक हरियाणा ने ही सबसे ज़्यादा नाम रोशन किया है, जब पीछे 44 अपने यहाँ पर पदक आए थे, जिनमें से 22 अकेले हरियाणा के थे, यानी पूरे हिंदुस्तान में आधे पदक हरियाणा के थे। खेलों को प्रमोट किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, पहली बार उन्होंने ये कहा था कि मैं 3 करोड़ रुपए जो ओलंपिक वाले, 2 करोड़ रुपए एशियन गेम्स के, और कॉमनवेल्थ वाले को 1 करोड़ रुपया हम गोल्ड मेडल वाले को देंगे। उसको बाद में बढ़ाया गया, तो एक प्रोत्साहन है, उनको नौकरियाँ दी गई, क्लास 2 क्लास 1 की नौकरियाँ दी गई, तो इन बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना उभर के आई कि हम भी अगर अच्छे खिलाड़ी बनेंगे तो हमें भी आगे जीवन के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस
तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना खेल से सीमित नहीं होना चाहिए, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। बहुत सी पंचायत ऐसी है जिन्होंने सरपंचों ने पद भी ग्रहण नहीं किया है या चार्ज है वो भी नहीं आया है, जबकि जो पंचायत मंत्री है वो सरपंचों को तोड़ समझ से नवाज चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसे अगर मंत्री जी ने इस तरह के शब्दों का मैंने सुने नहीं है, अगर मंत्री जी के यहाँ से कोई ऐसे शब्दों की बात कही जा रही है तो वो उचित नहीं। ठीक है, ठीक, चलो, थैंक यू।